आपने जे अब नाम मात्र मेरे पुत्र हैं, हम इनके पिता एक धर्म के रह गए आप शास्त्री जी आपको मालूम, लेकिन इन्होंने इंटर बीए एमए पीएचडी सब कुछ किया इंग्लिश मीडियम से। इनने कहा पापा हम शादी नहीं करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे, और ये सन्यासी हो गए। इन्हें राजा भैया पाल को मालूम है, इनने इनका इंटरव्यू भी लिया, और ये भागवत भी और ये श्रीलंका प्रवचन देने गए थे, अब ये सिंगापुर जा रहे हैं। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद चाहता हूँ, और इनसे मैंने निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूँ कि देखो बेटा तुम संत रहना अच्छी बात है, लेकिन राजा राम आसाराम बापू मत बनना, जब भी बनना तो ये सब लोगों जैसे सन्यासी बनना। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से बहुत पर व्यास की प्रार्थना, हमारी बहन तुल साध्वी ऋतु जी पांडे जी, मंचासीन हमारे सभी आचार्यगण अतिथिगण संगीत वाले भाई बंधु लोग, सबको मेरी कोटि कोटि राम राम है, और आप सबको भी राम राम है माता बहने बंधु भाइयों को। बड़ा ही सौभाग्य होता है कि जब आज हम सुबह निकले ग्वालियर से अपने देवताओं के दर्शन के लिए निकले थे, सपने में भी सोचा था कि भागवत में आज हम आएंगे, इसको कहते हैं सौभाग्य। कहते हैं जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, भागवत कथा में आने की बिल्कुल नहीं सोची थी, कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन क्या है जो आगे की कड़ी में कहना चाहता हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, जो ईश्वर ने लिख दिया है वही होगा। कैसे हम कठपुतली हाथ की, तेरे हाथ के जैसे भी जैसे भी जैसे भी चाहे न चाले मोरलिया वाले, जैसे मोरलिया काफी शेष है। दो शब्द कहूंगा आपसे, आज के कलयुग में आप लोगों को भजन भी करना है और अपने बच्चों को भी ध्यान देना है। आपके बच्चे कहाँ कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, किससे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इस भी आप लोग विशेष ध्यान देना, क्योंकि कलयुग में बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। घर गृहस्थी के माता बहनों काम भी करें, बच्चों पे ध्यान दें, अपने पतियों से भाई बंधु भी ध्यान दें, बच्चों पे कहाँ जा रहे क्या आ रहे,
इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दूंगा। हमें जाना भी है अभी दो तीन जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सब आप सबको साधुवाद। जय श्री राम। बोल दंगरुआ सरकार की जय। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बेहतर जीवन जीने के लिए LIC अपनाए। अभिकर्ता अनुपम श्रीवास्तव बेटू।